नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। जालौन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एसबीर सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक इमरान खान पुलिस बल के साथ गिरवर नगर अराजी लेन में गश्त पर थे, तभी उन्हें दो संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस उन्हें पकड़कर थाने ले आई। पूछताछ करने पर उन्होंने अपने नाम रविंद्र सिंह पुत्र कमल सिंह राजपूत निवासी ग्राम एयर थाना डकोर, राजकुमार पुत्र बाबूराम अहिरवार निवासी ग्राम परासन थाना एटा जिला जालौन बताया है। इनके पास से दो अवैध 315 बोर के तमंचे, दो जिंदा कारतूस तथा 3 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई है। इनके विरुद्ध कोच थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने खुलासा करते हुए कहा कि काफी समय से मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी, जिसमें दो चोर पकड़े गए। इनके पास दो तमंचा 315 बोर, दो कारतूस 315 बोर तथा 3 मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद हुई है। रविंद्र के विरुद्ध विभिन्न थानों में 14 मुकदमे पंजीकृत हैं और राजकुमार के विरुद्ध 8 मुकदमा पंजीकृत है। गिरफ्तार करने वाली टीम को 2500 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है। गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। क्या कुछ कहा अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की कई घटनाएं हो चुकी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में स्वाट की टीम को और दूसरी टीम जो है प्रभारी निरीक्षक कोच के नेतृत्व में बनाई गई थी। ये लोग उस घटना के अनावरण में लगे हुए थे। आज सुबह दो चोरों को पकड़ने में इनको सफलता हासिल हुई। उनके पास से 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, दो कट्टे बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुई है, जिसमें से एक मोटरसाइकिल हमारे उड़ई से चोरी हुई थी, वो भी बरामद हुई है। दो मोटरसाइकिलों के बारे में जानकारी दी जा रही है। शातिर किस्म के अपराधी हैं। एक जो रविंद्र राजपूत है, इसके ऊपर 14 मुकदमे हैं और दूसरा राजकुमार है, इसके ऊपर 8 मुकदमे हैं। सब मुकदमे वाहन चोरी और लूट के हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है इनके ऊपर? मुकदमा लिखा गया है, इनको जेल भेजा जा रहा है और इनके ऊपर जो भी विधिक कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। क्या सर, इनको खुलासा करने वाली टीम को कुछ इनाम दिया है? हाँ, इनको 2500 रुपये का इनाम दिया है।